हाय, ये हमारा चैट ऐप डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 1-to-1 चैट फंक्शनैलिटी कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने ऐप पर। तो सबसे पहले मैं UI पार्ट बना लेता हूँ। तो यह हमारा UI पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे चैट रूम आईडी नाम से, जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और ये फंक्शन हमारी चैट रूम आईडी जनरेट करने में हेल्प करेगा, जिससे कि हम दो यूजर्स को चैट करा पाएंगे। तो इस फंक्शन में हम दो वेरिएबल एक्सेप्ट कराएंगे, user1 and user2, जो दोनों स्ट्रिंग होंगे। उसके बाद हम इफ कंडीशन के अंदर चेक करेंगे user1 square bracket 0 dot 2 lowercase dot code unit is greater than user2 square bracket 0 dot 2 lowercase dot code unit square bracket 0, और हम रिटर्न कर देंगे user1 user2। इस कंडीशन को लगाने का जो मेन रीज़न है कि हम जो चैट रूम आईडी क्रिएट करना चाहते हैं उसमें यूज़र के नेम होंगे। अब वो नेम आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो दो यूज़र चैट करना चाहते हैं, user1 and user2। तो अगर user1 user2 को मैसेज करेगा तो चैट रूम आईडी क्रिएट हो जाएगी user1 user2 नाम से, और अगर user2 user1 को मैसेज करेगा तो चैट रूम आईडी क्रिएट हो जाएगी user2 user1 नाम से। तो इसका मतलब दो अलग अलग चैट रूम आईडी क्रिएट हो गई हैं, तो अब वो दोनों चैट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये फंक्शन बनाया है जो कि दोनों को सेम चैट आईडी प्रोवाइड करेगा, चाहे user1 user2 को मैसेज करे या user2 user1 को मैसेज करे। अब ये फंक्शन काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले हम user1 का फर्स्ट अल्फाबेट लेंगे और उसे लोअर केस अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर उसकी अल्फाबेट यूनिट को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर हम चेक करेंगे user1 की अल्फाबेट यूनिट ग्रेटर है user2 की अल्फाबेट यूनिट से। उसके बाद हमारे पास चैट रूम आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम रूम आईडी नेम से एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम चैट रूम आईडी स्टोर करेंगे और चैट रूम आईडी में पास कर देंगे। उसके बाद हम यूजर मैप के अंदर हमारे यूजर की इन्फो पास कर देंगे जिससे हमें चैट करना चाहते हैं। देन हमें चैट रूम क्लास के कंस्ट्रक्टर से यूजर मैप और चैट रूम आईडी मिल जाएगी। हम यूजर के नेम को ऐप बार में शो करेंगे। देन हम फायर स्टोर नेम से वेरिएबल बना लेंगे।
उसके बाद हम स्ट्रीम बिल्डर में स्ट्रीम पास कर देंगे firebase.collection.chatroom.doc.chatroom-id.collections.chat। डॉट ऑर्डर टाइम डिसेंडिंग रहेगा फॉल्स डॉट स्नैपशॉट्स। यहाँ हमने ऑर्डर का यूज़ इसलिए किया है ताकि हमारे डॉक्यूमेंट्स को टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सके। ये जो स्ट्रीम बिल्डर है ये हमारे डेटा चेंजेस को रियल टाइम में शो करेगा। तो अब हम मैसेज सेंड करने के लिए फंक्शन बना लेते हैं ऑन सेंड मैसेज, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। फंक्शन बनाने के बाद हम लिखेंगे firestore.collection.chatroom.doc.chatroom-id.collections.chat.add। यह लिखने से हम अपने चैट रूम नेम के कलेक्शन में चैट रूम आईडी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट चैट्स नाम के कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट ऐड कराना चाहते हैं, जो कि एक मैप होगा। पहले एक मैप क्रिएट कर लेते हैं मैसेज नेम से। उसके बाद हम ऐड के अंदर मैसेजेस को पास कर देंगे, जिसके अंदर थ्री फील्ड होंगी सेंड बाय, मैसेज एंड टाइम। सेंड बाय के अंदर हम उस यूज़र का नेम इनपुट कराएंगे जिसने मैसेज सेंड किया है, और मैसेज के अंदर हम यूज़र का मैसेज इनपुट कराएंगे जो कि हमें टेक्स्ट फील्ड से मिलेगा, और टाइम के अंदर हम यूज़ करेंगे फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प, जो कि हमें करंट टाइम को स्टोर कराने में हेल्प करेगा। इतना करने के बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे मैसेज डॉट टेक्स्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी। इस कंडीशन के ट्रू होने पर ही हम मैसेज सेंड कर पाएंगे, एल्स में हम प्रिंट करा देंगे एंटर सम टेक्स्ट। हमें auth डॉट करंट यूजर डॉट डिस्प्ले नेम फंक्शन यूज करने के लिए पहले डिस्प्ले को असाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे यूजर डॉट अपडेट प्रोफाइल, इसके अंदर हम डिस्प्ले नेम को असाइन कर देंगे। उसके बाद हम सेंड बटन के ऑन प्रेस मेथड में ऑन सेंड मैसेज फंक्शन असाइन कर देंगे। उसके बाद हम इफ कंडीशन के अंदर मैसेज डॉट क्लियर फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हमारे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को क्लियर कर देगा। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि मैसेज सेंड हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो रहे हैं। अभी हमें मैसेज प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में शो हो रहा है, तो पहले मैं यूआई को मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ कंटेनर की अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में हम चेक करेंगे कि अगर हमारी सेंड बाय फील्ड में जो यूज़र नेम हमने इनपुट किया था, अगर वो यूज़र नेम करंट यूज़र नेम के इक्वल है तो हम मैसेज को राइट साइड में अलाइन कर देंगे, अगर इक्वल नहीं है तो हम लेफ्ट साइड में अलाइन कर देंगे। उसके बाद हम इस विजिट को लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम एक मैप वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम कलेक्शन से जो हमें डॉक्यूमेंट मिला है वो स्टोर कराएंगे। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा snapshot.data.docs(index.data)। इससे हमें डॉक्यूमेंट की वैल्यू मैप फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सारे मैसेज मैंने सेंड करे थे, इसलिए हमारे मैसेज राइट साइड में अलाइंड है, इसलिए हमारे मैसेज राइट साइड में शो हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दो डिवाइस में टेस्ट करके दिखा देता हूँ चैटिंग की फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेंगे।
अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम यूज़र को उनकी जीमेल आईडी के थ्रू सर्च करेंगे। तो यहाँ हमें रिजल्ट मिल चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप बार में यूज़र नेम शो हो रहा है। तो अब हम मैसेज सेंड करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सेकंड इम्यूलेटर में मैसेज पहुंच चुका है। तो अब हम सेकंड इम्यूलेटर से मैसेज सेंड करके देखते हैं फर्स्ट इम्यूलेटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं यह मैसेज भी सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो मतलब हमारी 1-to-1 चैट फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र का ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस कैसे दिखाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।